हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड रिचा और लेके आई हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा वीडियो आप सब के लिए। एंड टुडे आई विल बी शोइंग यू हाउ टू रिवैम्प और अपसाइकल योर ओल्ड डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड सम स्टोन्स, एंड आई विल बी यूजिंग देम इन माय बालकनी एज अ डेकोर पीस। सो बहुत ही प्यारा लगता है ये पेंट करने के बाद में। इसमें हम कुछ अच्छे से कोट्स लिखेंगे और इस वीडियो के लिए हमें चाहिए कुछ पुराने डिस्पोजेबल प्लेट्स, कुछ स्टोन्स या पेबल्स जिन्हें मैंने वाइट अक्रिलिक पेंट से पहले से पेंट करके रखा है, अक्रिलिक कलर्स, नियॉन कलर्स, स्पॉन्ज टू कलर द प्लेट, देन सम डिफरेंट अक्रिलिक शेड्स और कुछ ब्रशेज हैं यहाँ पे एंड अ मार्कर। सो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनने वाला है ये हमारा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for all the regular updates. So now let's get started with the video. So friends, मैंने इस disposable plate को black acrylic color से cover कर लिया है और मैंने एक simple सा sketch बनाया है और quote लिखा हुआ है, life is a journey, enjoy the ride. बहुत ही प्यारे और बहुत ही interesting आपको कोट्स और डूडल्स पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे, तो वहीं से इंस्पायर्ड ये डूडल है। नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग दिस। तो कुछ इस तरह से हमारी फर्स्ट प्लेट बन के रेडी है। देखिए अब कितना अच्छा इसका लुक चेंज हो चुका है कम्प्लीटली और कितने इजीली मैंने ये बनाया। आइए इसी तरीके से बाकी प्लेट्स भी बना लेते हैं विथ सम डिफरेंट ड्राइंग एंड डिफरेंट कोट्स। सो इस तरह से हमारी सेकेंड प्लेट भी रेडी है जो कि एक बहुत ही सिंपल सा देसी डूडल मैंने बनाया हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर थर्ड प्लेट। सो फ्रेंड्स, मेरा ये थर्ड भी प्लेट तैयार है जिसमें मैंने ये कैक्टस का डूडल बनाया हुआ है। तो देखिए कितना आसान है ये प्यारे डूडल्स बनाना और बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये डूडल्स। तो इस तरह के ये थ्री डूडल प्लेट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। मैंने और भी बनाए हैं जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंत में, जिसके पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊँगी, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और मैं इन्हें वॉल पे कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और अब चलिए चलते हैं स्टोन पेंटिंग की तरफ और देख लेते हैं कि स्टोन पेंटिंग किस तरह से करना है। सो आई हैव पेंटेड द स्टोन्स इन वाइट कलर और ये एक पर्टिकुलर स्टोन है जिसको मैंने ग्रीन और येलो की शेड में पेंट कर लिया है आफ्टर अप्लाइंग द बेस कोट ऑफ वाइट कलर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोन। इस टाइप के स्टोन्स आपको इजीली आपके गार्डन में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैं एक सिंपल सा बर्ड बना रही हूँ इसके ऊपर।
तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने अपने स्टोन पेंट करके रेडी कर लिए हैं। कुछ सिंपल डिज़ाइंस, सिंपल एक्रेलिक कलर्स और कुछ कोड्स लिख के आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे स्टोन्स। तो ये तो थे जो मैंने आज आपको वीडियो में दिखाए। इसके अलावा भी मैंने और स्टोन्स पेंट किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो इन्हें करते हैं साइड में और आपको दिखाती हूँ मेरे बाकी स्टोन्स। सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का मैंने पेंट किया था और दोनों साइड पे मैंने पेंट किया था। तो यहाँ पे एक समर लिखा हुआ और यहाँ पे फ्रेंड्स का, इस तरीके से भी आप पेंट कर सकते हैं। देन ये एक बर्ड पेंट किया हुआ है और पीछे ये फ्लैमिंगो है। सिमिलरली यहाँ पे सैंटोरिनी का मैंने पेंट किया था सीनरी और पीछे इस तरीके से फ्लावर और बटरफ्लाई। देन अगेन छोटा सा माय गार्डन करके पेंट किया था और पीछे ये छोटा सा डोर और बाईसाइकिल और लास्ट में ये क्यूट लिटिल गर्ल मैंने पेंट की थी। सो इस टाइप से आप काफ़ी सारे स्टोन्स पेंट कर सकते हैं अलग अलग शेप के। आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने कलर स्कीम के हिसाब से इन स्टोन्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इन स्टोन को हम बालकनी में किस तरह से प्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्लाक्स या फिर प्लेट्स जो हमने बनाई थी अपने बालकनी के लिए। सो आइए दोस्तों अब हमारी जो वॉल प्लेट्स हमने बनाई हैं उन्हें स्टिक कर लेते हैं। और स्टिक करने के लिए मैंने ये डबल साइडेड टेप और सीज़र लिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी है इन्हें स्टिक करना वॉल पर। जस्ट बैक साइड पर आप ये डबल साइडेड टेप फिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी बालकनी की वॉल और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है मेरी बालकनी वॉल बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिस्पोजेबल वॉल प्लेट्स से बना हुआ डेकोर है ये हमारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने और भी बनाए हुए हैं और थोड़े से फंकी से कोड्स इस पर लिखे हैं। और ये सारे मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को राउंड शेप में कट करके एक्रिलिक पेंट यूज़ करके बनाए हुए हैं। सो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोजेबल प्लेट तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया वीडियो में। सो ये प्लेन सी वॉल कम्प्लीटली कलरफुल हो गई है। साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने बर्ड हाउस भी लगाए हुए हैं दो जो कि कम्प्लीटली डेकोपाज टेक्निक से मैंने खुद बनाए हैं। और इस पर्टिकुलर बर्ड हाउस का वीडियो मेरे चैनल पर है तो उसे भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आइए अब देखते हैं कि हम हमारे कलरफुल स्टोन्स जो हमने बनाए हैं उससे कैसे अपने प्लांट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये ओवरव्यू है मेरी बालकनी का और इस टाइप के कलरफुल स्टोन्स मैं इस तरह से हमारे प्लांटर्स के बीच में रख दूंगी। सो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये और बालकनी का लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। ये दो छोटे वाले हनी बी और लेडी बग भी साथ ही साथ में यहाँ पे रख दूंगी। ये एक स्टोन यहाँ पे रखा मैंने फ्लाई हाई और कुछ इस तरह से मैं नीचे रख सकती हूँ या तो प्लांटर के बीचों बीच भी रख सकती हूँ। सो इस तरह से मेरे स्टोन्स और मेरे वॉल प्लग्स दोनों रेडी हैं। तो आप भी इन दोनों चीज़ों को ज़रूर बनाइए। ये ज़ीरो कॉस्ट में बनते हैं, सारी चीज़ें आपके घर पे ही अवेलेबल होती हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक कर दीजिएगा। सो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आई विल बी बैक सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।